हेलो दोस्तों, एक और नया वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक यूनिट्स ऑफ मेमोरी मेजरमेंट। मेमोरी मेजरमेंट का जो यूनिट होता है, ठीक है, ये सबसे छोटा यूनिट होता है, बिट सबसे बड़ा यूनिट जो होता है मेमोरी मेजरमेंट का वो होता है 0 बाइट। ठीक है, तो एक एक करके सारा यूनिट को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मेमोरी यूनिट होता क्या है। तो देखिए, जैसे कि आप अगर कोई सामान खरीदने जाते हो, अगर वो सामान राशन सामान होगा, आप मान लेते हैं कि आटा लेने जा रहे हो, तो आटा में हो सकता है 5 kg, 10 kg, 1 kg, 2 kg, जो आटा वेट कर रहा है, वेट करने का जो यूनिट हो रहा है वो केजी हो रहा है। ठीक है, आप भी मान लो कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रहे हो, जा रहे हो, तो वहाँ पर एक शहर से दूसरे शहर के जो डिस्टेंस होता है, वो डिस्टेंस को मापने के लिए जो यूनिट होता है वो होता है किलोमीटर, होता है कि नहीं किलोमीटर। ठीक है, इसी तरह का जो फाइल्स आपका मोबाइल में हो या कंप्यूटर में हो, वो फाइल्स कितना जगह ऑक्यूपाई कर रहा है आपको मोबाइल के या कंप्यूटर के मेमोरी का, वो उसका यूनिट होता है। ठीक है, एग्जांपल में अगर आपके पास पीडीएफ फाइल है तो हो सकता है कि वो केबी में जगह ऑक्यूपाई कर रहा हो। आगे आपके पास मान लेते हैं कि फोटो है, इमेज है, तो हो सकता है कि वो केबी में भी ले सकता है या फिर एमबी में हो सकता है। अगर आपके पास वीडियो फाइल है तो हो सकता है कि वो ज्यादा बड़ा फाइल हो तो वो जीबी में चल जाएगा। ठीक है, उससे भी बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो ये जो फाइल जो आपका मेमोरी में जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, कितना जगह ऑक्यूपाई करता है, इसे मापने के लिए हम लोग यूनिट का यूज करते हैं। ये यूनिट कितना होता है, चलिए उससे देखते हैं। जो सबसे छोटा यूनिट होता है ये होता है बिट, तो 1 बिट। ये जो बिट होता है ये बाइनरी डिजिट होता है, बाइनरी डिजिट। ठीक है, ये जो बाइनरी डिजिट है ये 0 और 1 के फॉर्म में रहता है, 0 और 1 के फॉर्म में रहता है। ठीक है, ये जो बिट आया है ये बिट भी बाइनरी डिजिट से ही निकल के आया है। मतलब क्या, बाइनरी का बी आर और डिजिट का टी मिलाकर बना है बिट। ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद 4 बिट की जो ग्रुप होता है, 4 बिट की जो ग्रुप होता है, इस ग्रुप को बोला जाता है 1 निबल। ठीक है, 4 बिट के ग्रुप को क्या बोला जाएगा, 1 निबल। ठीक है, उसके बाद 8 बिट की जो ग्रुप होता है, 8 बिट्स, ये होता है 1 बाइट। तो ध्यान से देखिएगा, 4 बिट के ग्रुप को बोलते हैं निबल और 8 बिट के ग्रुप को बोलते हैं बाइट। ठीक है, यहाँ पर 4 से 8 हो रहा है, यहाँ भी कुछ होना चाहिए। यहाँ पर मतलब 1 निबल है, मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर डबल हो जाएगा, तो फिर 2 निबल होगा। तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि 1 बाइट 2 निबल के बराबर होता है, 1 बाइट 2 निबल के बराबर होता है। ठीक है, 4 बिट 1 निबल, 1 निबल बराबर 4 बिट, 8 बिट 1 बाइट और 8 बिट 2 निबल, समझ में आ गया। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, और 1024 जो बाइट होगा ये होता है 1 केबी। केबी का फुल फॉर्म, केबी का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है किलोबाइट। ठीक है, फिर नेक्स्ट होगा 1024 जो केबी होगा ये हो जाएगा 1 एमबी। इसका फुल फॉर्म होता है मेगाबाइट। फिर नेक्स्ट होता है 1024 एमबी, ये हो जाएगा 1 जीबी। इसका फुल फॉर्म होता है गीगाबाइट। ठीक है, तो देखिए यहां तक जो यूनिट होगा गीगाबाइट तक, जीबी तक, यह सिर्फ हमें इजीली याद रह जाता है। क्यों, क्योंकि ये सारा हमें मोबाइल में देखने को मिलता है। मोबाइल में जो हमारा जो फाइल होता है ये केबी में होता है, इमेज फाइल फोटो होता है ये एमबी में होता है, वीडियो फाइल होता है ये जीबी में होता है, तो ये हमें याद रह जाता है। यहाँ पर एक चीज है निबल, ये काम देखने को मिलता है, इसलिए इसको आपको रिवाइज की जरूरत होता है। और यहाँ पर 1 बाइट 2 निबल होता है, दो जगह पर आपको रिवाइज का जरूरत पड़ता है। ठीक है, लेकिन जीबी के बाद जो होता है, जीपी के बाद जितना भी यूनिट होता है ये हम रोजमर्रा की जिंदगी में कम यूज करते हैं, इसीलिए यहाँ पर रिवाइज का जरूरत होता है। ठीक है, तो चलिए इसको साफ करते हैं और इसके बाद का जो यूनिट है वो सारा लिखते हैं। और आप क्या कीजिएगा, कॉपी के नीचे में एक ही जगह पर सारा यूनिट लिख दीजिएगा, तो आपको
याद करने में आसानी होगा, मुझे मेरे लिए जगह कम पड़ रहा है इसलिए मुझे इरेज करने का जरूरत पड़ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके बाद देखिए 1024 जो जीबी होगा ये होता है आपका 1 TB। टीबी का फुल फॉर्म होता है टेराबाइट। ठीक है, उसके बाद 1024 TB जो होता है ये होता है 1 PB। पीबी का फुल फॉर्म होता है पेटाबाइट। उसके बाद 1024 PB जो होगा ये होगा 1 EB, इसको बोलते हैं एक्साबाइट। उसके बाद 1024 EB जो होगा ये होगा 1 ZB, इसको बोलते हैं जेटाबाइट, सॉरी जेटाबाइट। 1024 ZB मतलब ZB के बाद होगा वो होगा YB, मतलब 1024 ZB के बाद होता है 1 YB, ये होता है यूटाबाइट। ठीक है, इसके बाद ये होगा 1024 YB के बाद ये होता है 1 BB, ये होता है ब्रोंटोबाइट। इसके बाद 1024 जो बीबी होता है इसके बाद होता है 1 ZB। तो देखिए ये लास्ट हो गया, शुरू काम क्या होता है, शुरू हुआ था बीट से, लास्ट हुआ ZB। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, इधर ठीक है, इधर ठीक है, ZB उसके बाद YB BB ZB। तो देखिए यूनिट का जो मेमोरी मेजरमेंट का जो सबसे छोटा यूनिट होता है ये होता है बीट, याद रखिएगा। और मेमोरी मेजरमेंट का जो सबसे हाईएस्ट यूनिट होता है ये होता है ज़ीरोबाइट। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। पढ़ते रहिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।